रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स, तो डी बाय डी एक्स आ गया हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स, नाउ दिस इक्वल टू लेमडा एक्स वन, दिस इज इक्वल टू लेमडा एक्स वन। बोलिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ लैम्डा एक्स वाई जीरो, तो इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट वाई इक्वल टू वी एक्स, डी बाय डी एक्स वी प्लस एच डी वी बाई डी एक्स, दीजिए वी प्लस एच डी वी बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन एक्स, वी प्लस देखो एक्स स्क्वायर बाहर आ रहा है, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर बाहर आ रहा है तो क्या बचा एक्स आ गया, रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन एक्स अपॉन एक्स। मैंने क्या बोला सबसे पहले एक्स निकालो, तो ऐसे तो अपॉन में सिंगल है तो सिंगल होता है तो अलग अलग कर दिया करो, इसको इससे डिवाइड करो, सिंगल वैल्यू है अपॉन में तो अलग अलग कर लो, वी से वी क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया डी वी अपॉन अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, डी वी अपॉन अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन डी वी अपॉन अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स, बोलो वन अपॉन वी स्क्वायर है, टेन इनवर्स कहाँ से लगेगा, रूट आ रहा है तो यार क्या करते हो तुम, बिना रूट में लगता है टेन इनवर्स, इसमें टेन इनवर्स कैसे लगे, साइन माइनस होता तब लगता है, कुछ लो कुछ भी क्या होगा तुम्हारा यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ना तुम्हें फॉर्मूले याद है, और हमें पता सब लॉग में आता है तो सीधी लॉग में लिखते हैं, y by x y square upon x square log cx, तो log y plus under root x square plus y square upon x equal to log से log तो हट गया इक्वल टू सी, बस दिस इज अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन वाई प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू सी, ये इसका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट, सॉल्व
एक्स माइनस वाई डिवाइड डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वन। पहले तो आप बता दीजिए होमोजीनियस है कि नहीं है, है सबकी डिग्री क्या आ रही है वन आ रही है। डिवाइड डी एक्स एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वन लैम्डा एक्स वाई डिग्री ऑफ लैम्डा एक्स वाई जीरो सो इट इज द होमोजीनियस इक्वेशन। सो इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। पुट वाई इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है? पहले एक्स का डिविजन किया वन तो वी फिर एक्स पॉजिटिव वी का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या है फिर डी वी बाई डी एक्स। ये रख देंगे हम इक्वेशन नंबर वन में। फ्रॉम इक्वेशन वन डी बाई डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स एक्स प्लस टू वी एक्स एक्स माइनस वी एक्स। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ पहले वजह से बोल रहा हूँ बेटा आगे नहीं। यह एक्स हटाना है उसको आगे कैरी ओवर नहीं करना है। ये गलत मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे थे रहे तो उसमें गड़बड़ यही कर रहा था। तो एक्स हटा दिया हमने तो वन प्लस टू वी अपॉन वन माइनस वी तो एक्स डी वी बाई डी एक्स वन प्लस टू वी अपॉन वन माइनस वी माइनस वी। माइनस वी प्लस वी स्क्वायर या वन प्लस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस। यहां तक देख लीजिए यहां तक कोई डाउट है? अब ये हमारा सेपरेबल फॉर्म में आ गया भाई। ये हमारा यहां तक कर दिया अब ये सेपरेट हो जाएगा। वन माइनस वी डी एक्स वाई एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वन माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन। वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन इक्वल टू सी टू वी प्लस वन डी वी इक्वल टू डी टी। तो देखो टू वी प्लस वन बनाना है माइनस वी है तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड टू वी प्लस वन माइनस वन और प्लस वन। ये समझ में आया कैसे लिखा? यही इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें। एक्सरसाइज 7.4 माइनस वन है तो माइनस वन तो बाहर बनाना है टू वी तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड फिर प्लस वन लाना है तो प्लस वन माइनस वन और ये वाला प्लस वन अलग से। अब इसको अलग अलग कर लीजिए बिल्कुल माइनस वन बाई टू यहाँ से अलग करेंगे हम टू वी प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन डी वी माइनस वन बाई टू को माइनस से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया प्लस वन बाई टू और प्लस वन थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई टू डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन डी एक्स अपॉन वी। ये आ गया हमारा इसको मैंने टी माना था तो ये तो हो गया डी टी अपॉन टी। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनेगा भाई
कैसे बनेगा, v का कोफिशिएंट 1 है तो v प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर है, बोलो माइनस 1 बाई 4 प्लस 1। अरे भाई v का कोफिशिएंट 1 है तो 1 बाई 2, तो माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 कितना हो गया 3 बाई 4, 3 बाई 4 किसका होल स्क्वायर है, इक्वल टू इंटीग्रेशन dx वाले। अब ये इस वाले तीन स्टेप में यदि किसी को दिक्कत है तो दोबारा कर देता हूँ। बेटा इतना पढ़ने के बाद भी तेरे को अभी तक क्लियर नहीं है, माइनस वन को तो तेरे घर का लाज चल रहा है कि इसलिए प्लस वन करेगी, माइनस वन नहीं करेगी उसको हटाने के लिए। भाई तू कोई चीज देगी तो उसको हटाएगी नहीं, सही ना, मेरे पास है क्या पहले से माइनस वन, नहीं है ना, यदि मैंने प्लस वन किया है तो मैं माइनस वन भी तो करूंगा ताकि कुछ भी नहीं हो, वही बोल रहा हूँ मैं। दोबारा देख तेरे पास अभी क्या है, माइनस वी प्लस वन है तेरे पास अभी, अब देखते जाना आराम से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना मुझे क्या बनाना है। तो देखो सर मैं सिर्फ इसको बनाऊंगा, उस प्लस वन को भूल जाना भी, माइनस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया टू भी, फिर प्लस वन माइनस वन, क्यों ये माइनस वी है बस उसी को कर रहे हैं और ये प्लस वन भी है, अब इसको यहां से अलग कर दो क्योंकि यही चीज मुझे, तो माइनस वन बाई टू टू वी प्लस वन, माइनस वन बाई टू माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वन बाई टू, और प्लस वन डीवी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, फिर ये हो गया आपका डी टी बाई टी। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना, भाई किसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाने में दिक्कत आ रही तो देख लो, वी का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, 1 का आधा माइनस वन बाय फोर प्लस वन, माइनस वन माइनस थ्री बाय फोर, तो ये आ गया वी प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर, बस यहाँ से अब इंटीग्रेट कर दिए, ये तो आपका अलग अलग करना है, ये सबसे लेंथी प्रॉब्लम है भैया और ये सबसे ज्यादा बार आ चुकी है, ये वाली प्रॉब्लम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और सबसे ज्यादा बार पूछी जा चुकी है। अब इंटीग्रेट कर दो भाई, माइनस वन बाय टू लॉग टू प्लस थ्री बाय टू वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, इक्वल टू लॉग एक्स प्लस टी, वन बाय टी का तो लॉग टी, फिर इसका है आपका 1 बाई ए, 3 बाई थ्री तो बाहर था ही सही, 1 बाई ए लॉग और टेन इनवर्स एक्स बाई ए और लॉग एक्स प्लस टी, लॉग टी नहीं लिखेंगे क्योंकि हर जगह लॉग नहीं आना, और सब फाइनल है y एक्स टी की जगह वैल्यू रख दो और वैल्यू रखते जाओ ये आंसर में। अब ये सबसे लेंथी प्रॉब्लम में से है भैया, आपको t की वैल्यू v स्क्वायर प्लस v प्लस v प्लस रूट थ्री टेन इनवर्स टू वी प्लस वन अपॉन रूट थ्री, वी की वैल्यू रख दो, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स प्लस वन प्लस रूट थ्री टेन इनवर्स टू वाई बाय एक्स
पूरा फाइनल एलसीएम ले लो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री टेन इनवर्स टू वाई प्लस एक्स अपॉन रूट थ्री एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस टू, लॉग एक्स प्लस टू, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इस सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सभी प्रॉब्लम में एक ही काम करना है, वही कर रहे हैं हम। यदि कभी y बाय एक्स आ जाएगा तो y बाय एक्स को भी मानना है, x बाय वाई आ जाएगा तो x बाय वाई को भी मानना है, लेकिन करना यही है। नेक्स्ट सो x into x dy minus y dx equal to y dx y1 equal to 1, इसको हमें सोल्व करना है। x multiplied by x dy minus y dx equal to y dx y1 equal to 1, भाई पहले तो dy by dx बना लिया करो, क्योंकि वो तो हर जगह जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें डी बाई डी एक्स की, चाहे कोई सी भी इक्वेशन हो पहले डी बाई डी एक्स बना लो। ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू वाई डी एक्स, डी एक्स डी एक्स एक तरफ ले लो, डी एक्स कॉमन आ गया तो डी बाई डी एक्स आ गया हमारे पास y प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या ये होमोजीनियस है, बोलो जवाब दो भाई सब। नो सर, ये होमोजीनियस नहीं। क्या ये सेपरेबल है, क्या ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है? यस सर। तो क्या मैं y और x को अलग अलग कर सकता हूँ? बिल्कुल अलग अलग कर सकता। तो बेटा ये हमारा कौन सा फॉर्म होगा, सेपरेबल फॉर्म होगा। ऐसे पता लगता है कि सेपरेबल फॉर्म है कि नहीं, इस तरह से आपको पता लगेगा कि ये सेपरेबल फॉर्म है कि नहीं है। भाई वाई वाई के साथ चला गया, एक्स एक्स के साथ चला गया, तो दिस इज सेपरेबल फॉर्म। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है भाई, सेपरेबल फॉर्म वाला। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको तो आप सेपरेट कर देना क्योंकि अपॉन में एक सिंगल वैल्यू है, तो आप अलग अलग लिख दो इसको। dy upon y equal to dx 1 upon x square plus 1 upon x dx, बोलो 1 upon y का इंटीग्रेशन log by 1 upon x square का इंटीग्रेशन minus 1 by x, और 1 by x का इंटीग्रेशन log log y equal to minus 1 by x plus log x plus c, गिवन है y1 इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1,
given y1 equal to 1, log 1 0 minus 1 log 1 0, तो c का वैल्यू 1 आ रहा है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया log y minus 1 by x log x plus 1, this is the required solution. ये हमारा इसका सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन आया, क्या समझ में? तो यहां से हमें पता लग गया था कि भाई ना ये होमोजीनियस है, तो हमारा फिर हम होमोजीनियस के बाद हमेशा क्या चेक करते हैं, सेपरेबल फॉर्म चेक करते हैं, तो हमें पता लग गया कि ये सेपरेबल फॉर्म है। नेक्स्ट, तो x माइनस y dx प्लस dy इक्वल टू dx माइनस dy, गिवन है आपको y 0 इक्वल टू माइनस 1, इसको हमें सॉल्व करना है। अगेन dy बाय dx निकालो भाई, चेक करने के लिए कि भाई क्या है, डीवाई डीएक्स निकालेंगे चेक करने के लिए कि ये है क्या। एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई, एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई, डी वाई डीवाई लेफ्ट हैंड साइड में और dx dx राइट हैंड साइड में, dy कॉमन आ गया x माइनस y प्लस 1, dx कॉमन आ गया 1 माइनस x प्लस 1, तो बेटा ये मुझे होमोजीनियस तो नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा है क्या भाई? सबकी डिग्री 1 कहां रही, 1 की डिग्री 0 है, इसलिए होमोजीनियस तो नहीं है। ये तो समझ में आ गया ना, ये होमोजीनियस नहीं है, किसी को डाउट है? अरे ये तो पता लग गया भाई कि होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि 1 माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये 1 आ रहा है ना, इसलिए इसकी वजह से होमोजीनियस नहीं है। सेपरेबल है क्या? कैसे सेपरेट करोगे, वाई प्लस में आ रहा है, तो बेटा ना ये होमोजीनियस है ना सेपरेबल है, फिर क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर से। बेटा वो भी नहीं है, वो डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई, पी वाई कैसे बनाएगी तू? माइनस कॉमन, अभी बताया इसने ऑनलाइन में, किसी ने बताया माइनस कॉमन लेंगे ऊपर, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर, इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, और एक्स माइनस वाई प्लस 1, और एक्स माइनस वाई को क्या मान लेंगे, वी मान लेंगे, ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म। एक्स माइनस वाई को वी मान लें, वन माइनस डी बाय डी एक्स इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स, तो डी बाय डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस डी वी बाय डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1,
डी बाई डी एस की जगह लिख दो वन माइनस डी वी बाई डी एस वन माइनस वी अपॉन वी प्लस वन. तो डी वी बाई डी एक्स आ गया हमारा वन माइनस ब्रैकेट में वन माइनस वी अपॉन वी प्लस. इसको सॉल्व कर लो. V प्लस वन एलसीएम आ गया. टू वी अपॉन वी प्लस वन आ गया वी प्लस वन अपॉन टू वी डी वी इक्वल टू डी वी. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू बी डी बी अलग अलग कर दो क्योंकि सिंगल है इनको. वन बाई टू का तो वन बाई टू बी ये वन बाई टू लॉग बी इक्वल टू एक्स प्लस टी. वी की जगह रख दो क्या था एक्स माइनस वाई और वैल्यू गिवन है वाई जीरो इक्वल टू माइनस वन. वाई जीरो इक्वल टू माइनस वन का क्या मतलब है एक्स की वैल्यू जीरो और वाई का वैल्यू y 0 equal to minus 1. So therefore x equal to 0, y equal to minus 1. रखो भाई 0 minus 1 तो 1 by 2. ये 0 हो गया. 0 plus c, c की value 1 by 2. Therefore from equation second, सबको टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सबको ये x को इधर ले जाइए log x माइनस वाई ये आ गया x प्लस वाई प्लस दिस इज द रिक्वायर्ड. ये प्रॉब्लम तो ये जो फॉर्म था ये था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म. हमने इसको सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस कर लिया. ये काम कब करते हैं जब एक कोई वैल्यू ऊपर नीचे या कहीं से भी एक जगह दिख गई हो जिसको रखने से हमारा काम बन जाए. जैसे एक और प्रॉब्लम बताता हूँ इसी टाइप की ताकि आपको समझना है कि ये काम कब करते हैं. ठीक है भाई कल 12 से 1 में यही रिवाइज होगा क्योंकि इसमें अपन वो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बचा हुआ है. दोनों तो बाकी तो मैं करवा ही रहा हूँ अभी. एक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और है और एक ना डिग्री और उसके बारे में बता दूंगी. तो एक्स प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल डी वाई इक्वल टू डी एक्स गिवन है वाई माइनस वन इक्वल टू. अब देखो ये प्रॉब्लम दिक्कत कौन दे रहा है एक्स प्लस वाई प्लस वन दे रहा है भाई. आपका डी वाई बाई डी एक्स जो है ये है वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर. तो मुझे ये सिंगल वैल्यू आपको दिक्कत दे रहा है एक्स प्लस वाई प्लस वन. तो इसको भी मान लो आ गया वन प्लस डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स. तो डी बाई डी एक्स आ गया आपका डी वी बाई डी एक्स माइनस वन
रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन वन डी वी बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन वी स्क्वायर तो dv by dx 1 plus 1 upon v square तो v square plus 1 upon v square separate हो गया ये separate हो गया v square upon v square plus 1 now integrating both sides integrating both sides भाई ऊपर v स्क्वायर आ रहा है यहाँ हम प्लस वन माइनस वन करेंगे ताकि नीचे जैसा बन जाए अब इसको यहाँ से अलग अलग कर दो भाई v स्क्वायर प्लस वन अपॉन v स्क्वायर प्लस वन माइनस इसका इंडिकेशन हो गया बी इसका हो गया टेन इनवर्स वी और बी की जगह रख दीजिए आप एक्स प्लस वाई प्लस बस ये आंसर आ गया तो ये भी आपका इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म अजीब सा आ रहा है इसलिए एक्स प्लस वाई को मैंने क्या मान लिया वी मान लिया वाई मान माइनस वन इक्वल टू जीरो गिवन था मतलब एक्स की वैल्यू माइनस वन है और वाई का वैल्यू जीरो है रखो जीरो जीरो माइनस वन प्लस टी टी की वैल्यू वन ये आपका आंसर आ This is the solution. X वैसे कैंसिल हो रहा है तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर दें नेक्स्ट सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन टू प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स वाई जीरो इक्वल टू वन इफ वाई एक्स इज ए सॉल्यूशन देन फाइंड वाई पाई बाई टू तो हमें वाई पाई बाई टू की वैल्यू निकालनी है अब ये तो साफ दिख रहा है कि भाई आपका सेपरेबल है साफ दिख रहा है वाई बिल्कुल अकेला है अलग चला जाएगा एक्स बिल्कुल अकेला है अलग चला जाएगा देखो इधर टू प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस वाई डिवाइड डी एक्स माइनस फोर तो डी वाई अपॉन वन प्लस वाई माइनस कोस एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स डी एक्स ये अलग अलग सेपरेट हो गए सेपरेबल फॉर्म में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डी
y upon 1 plus 1 cos x upon 2 plus sin x dx dy upon 1 plus y equal to cos x upon हेलो हाँ लोग तो आएगा जी दोनों तरफ लोग आ रहा है इसका डिफरेंशियल ये रहा इसका डिफरेंशियल ये तो लॉग वन प्लस वाई है ही अपॉन ये आ गया लॉग टू प्लस साइन एक्स और प्लस लॉग थ्री तो ये आ गया लॉग वन प्लस वाई इक्वल टू लॉग थ्री अपॉन टू प्लस साइन एक्स लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग लॉग हट गया वन प्लस वाई इक्वल टू थ्री अपॉन टू प्लस वाई Now put the given y0 equal to 1. So x equal to 0, y equal to 1. 1 plus 1, c, 2 plus sin 0 is 0. So c ka value 4 aa gaya. So our final answer aa gaya. 1 plus y is equal to 4 upon 2 plus sin x. y की वैल्यू निकाल लो बेटा यहाँ से निकल रही है आपकी एलसीएम ले लो y आ गया आपका 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन अब मुझे निकालनी है y पाई बाय 2 मतलब x की वैल्यू पाई बाय 2 रखनी है हमें तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y पाई बाय 2 वन बाई थ्री तो हमारी y पाई बाय टू की वैल्यू वन बाई थ्री आ गई बोल y एक सोल्यूशन है मतलब y इक्वल टू ये सोल्यूशन है अब इसमें x की जगह पाई बाय टू रखनी पाई बाय सोल्यूशन है उसको नाम दे दिया नेक्स्ट सॉल्व एक्स प्लस वन डी बाय डी एक्स इक्वल टू टू ई की पावर माइनस वाई माइनस वन गिवन है आपको y0 इक्वल टू 0 अब ये भी साफ दिख रहा है ये भी होंगे आपका सेपरेटली फॉर्म में भाई dy के साथ 2e की पावर माइनस वाई माइनस वन जा रहा है और dx के साथ आपका x प्लस वन जा रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आपका ये भी सेपरेबल फॉर्म है तो देखो इधर dy अपॉन 2e की पावर माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू dx अपॉन x प्लस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड e की पावर माइनस वन को वन अपॉन e की पावर वाई लिख दो टू अपॉन e की पावर वाई माइनस वन एलसीएम ले लीजिए e की पावर वाई अपॉन टू माइनस e की पावर वाई अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन टू माइनस ई की पावर वाई का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ई की पावर वाई तो माइनस ई की पावर वाई आ तो रहा है ऊपर एक काम कर दो ऐसे भी लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा भाई माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आपका लिए आसान हो जाएगा
अभी इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है, तो माइनस लॉग टू ई की पावर माइनस वन इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस लॉग सी। तो लॉग माइनस लॉग क्या होता है, लॉग वन अपॉन एक्स, और ये हो गया लॉग सी इंटू एक्स प्लस वन, लॉग हट गया। वैल्यू गिवन थी वाई जीरो इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई जीरो ई की पावर जीरो क्या होता है वन, वन हो गया, ये सी की वैल्यू वन आ गई। तो देयरफॉर वन अपॉन टू माइनस ई की पावर वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, या टू माइनस ई की पावर वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो ई की पावर वाई इक्वल टू टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन एलसीएम आ गया, तो टू एक्स प्लस टू माइनस वन, और ये इधर के इसमें कन्वर्ट होगा, तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर, तो वाई इक्वल टू लॉग टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, भाई इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, जरूरी तो नहीं है आप छोड़ दो वहां तक भी छोड़ दो, लेकिन यदि आपको y की वैल्यू निकालनी है तो फिर इस तरह से वैल्यू निकालनी है, आपको यदि y की वैल्यू निकालनी है तो इस तरह से। तो ये मैंने कुछ सेपरेबल फॉर्म पे कल भी करवाऊंगा फिर क्वेश्चन, इस पे कुछ सेपरेबल फॉर्म पर हमने क्वेश्चन किए। अभी 10 मिनट के बाद वापस मिलते हैं।